तौहीद तो फिर मीठे अंदाज में नहीं होती ना। मौलाना इसहाक साहब वाली बात कि भाई जब तौहीद बयान होएगी तो गुस्सा ही तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तौहीद में ये तो नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह नाल बाबे भी होंदे ने। तौहीद में तो होते ही है कि अल्लाह है और कोई कोई चीज नहीं है, तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसी तरीके से ये मौलाना इसहाक ने तो इतना ही फरमाया था, इसमें मैंने वैल्यू एडिशन की है कि जब हदीस बयान की जाएगी ना, जब नबी अलैहिस्सलाम की बात की जाएगी तो बाबों की गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि बाबे तो बिल्कुल उलट बात करके गए हैं। जब आप ये बात करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया और बाबा तो वो है जिसने अपना मुरीद निगाह मार के जला दिया, और बुखारी मुस्लिम में है कि अनस इब्ने मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर को वजू करवाया, कभी हुजूर ने मुझे डांटा नहीं है, कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो ऑटोमेटिकली अब्दुल कादर जिलानी की गुस्ताखी तो होगी,